रानीगंज अंचल के मंगलपुर औद्योगिक नगरी में पाइप बनाने वाले कारखाने का उद्घाटन किया गया। बंगाल और हरियाणा की कंपनी ने संयुक्त रूप से मंगलपुर औद्योगिक नगरी में बनाया पीडब्ल्यूसी पाइप उत्पादन का कारखाना। फर्स्ट फेज में प्रतिदिन 5 टन पाइप का होगा उत्पादन। रानीगंज के मंगलपुर इंडस्ट्रियल एरिया में गज लक्ष्मी पॉलीमर नामक पाइपलाइन कारखाने का उद्घाटन हुआ। नवनिर्मित पाइपलाइन कारखाने में रविवार को विधिवत रूप से पूजा पाठ की गई। रानीगंज के उद्योगपति धर्मवीर खैतान और हरियाणा के उद्योगपति संजय बंसल ने मिलकर संयुक्त रूप से ये कारखाना स्थापित किया है, जहां पीडब्ल्यूसी पाइपलाइन का उत्पादन होगा। इस कारखाने में फिलहाल प्रत्येक दिन 5 टन पीडब्ल्यूसी पाइपलाइन का उत्पादन होगा, जबकि भविष्य में दैनिक उत्पादन क्षमता को 25 टन तक ले जाने की योजना है। उद्योगपति धर्मवीर खैतान ने बताया कि गजलक्ष्मी पॉलीमर कारखाने को लगभग 36,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लिए पीडब्ल्यूसी पाइपलाइन का उत्पादन करने का ऑर्डर मिला है। बिहार और झारखंड में हर घर नल योजना के तहत पीडब्ल्यूसी पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस कारखाने में बेहतर क्वालिटी के पाइप का उत्पादन होगा और पूरी उम्मीद है कि सिर्फ बिहार और झारखंड नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी इसकी मांग बढ़ेगी। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। मोहन द फैमिली स्टोर। बाताशे शिवली फुलेर गंध माने मायर आगमनी, पूजोर केनाकाटा माने मोहन। मोहन द फैमिली स्टोर, आसनसोल रानीगंज। दुर्गा पूजा हो या दीपावली या हो कोई भी उत्सव, कपड़ों की खरीदारी के लिए आपकी पहली पसंद मोहन दी फैमिली स्टोर। एक छत के नीचे फैमिली की संपूर्ण खरीदारी और ब्रांडेड कंपनियों के गारमेंट्स का नाम मोहन दी फैमिली स्टोर, आसनसोल रानीगंज।